सबसे बड़ी यूएसपी है ये बुक, और डेफिनेटली नीता और अतिथि हम मेरी फ्रेंड्स रही हैं पहले से भी, तो इससे बड़ा अच्छी बात क्या हो सकती है कि बुक में जो बुक वर्थ है, और मुझे प्राउड है दोनों पे कि उन्होंने विदाउट एनी कम्प्रोमाइज़ उसको उस लेवल पे लेके आई हैं बुक को, और जो बहुत कनेक्शन महसूस होता है इस बुक के साथ, क्योंकि हर एक आदमी की लाइफ में एक इनर चलता है, तो वो इनर के सामने कई ऑप्शन होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं, और वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए मेरा मन किया कि भाई मैं इसका एक पार्ट होना मेरे लिए ज़रूरी है। ऑफकोर्स इस बुक के ऊपर फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही इनर, जिस तरह के मैं कैरेक्टर करता भी हूँ, और वो भी है उसमें एक इनर वर्ल्ड है उनका, जो थ्रू आउट द नॉवल कैरी करता है ना, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है इस बुक में उसका, तो और एट द सेम टाइम जैसे एक पेस बहुत अच्छा है इस फिल्म का, फास्ट पेस है इस बुक का, तो बहुत सारे चांसेस हैं इस बुक के जो इजीली आप फिल्म के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। टाइटल है स्ट्रेंजर इन मी, सो जो ये बुक के किरदार है, इसमें चार प्रोटैगनिस्ट है, और जो पैरेलल लाइफ, वो पैरेलल लाइफ को फेस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया हर एक किरदार के सामने दो चॉइसेस होते हैं, और जब वो एक चॉइस को लेके दूसरा चॉइस जाने देता है, उसका पैरेलल लाइफ शुरू हो जाता है, और उसे पता भी नहीं होता कि उसका पैरेलल लाइफ शुरू हो चुका है, और अगर वो चॉइस लेता तो उसके लाइफ में क्या होता। सो दैट्स वाई ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू हिमसेल्फ। सो हमारे सबके अंदर देयर इज दैट वन स्ट्रेंजर हु वी डू नॉट नो कम्प्लीटली। एज फार एज द मूवी इज कंसर्न्ड, आई थिंक it's important first to develop the script on the book and then take a call ki isme casting kaun hoga, rather than doing vice versa, pehle script to puri develop ho jaye. Okay, Nawaz, khabre is book ke topic se thoda alag hai, khabre is tarike se aa rahi hai ki aap fresh four kar rahe hain. Kya kar rahe ho? Fresh four film kar rahe hain, to kitni sachai hai iska? Mujhe to aap hi se suna hai maine, isme koi sachai nahi hai, aur maine aap hi se pehli baar suna hai ki main fresh four kar raha hu. I would like to mention one thing to the first question that you asked. The reason why I wanted Nawaz sir to launch this book is because his own life is so inspirational, from where he started to where he is now with the whole international acclaim. I think it's very, very inspiring for anyone who wants to achieve in any field. So I think he was a perfect inspiration. So my first choice, like we talk about choices in life, my first and only choice was Nawaz sir. So I requested him ke I'm very inspired by your entire journey, and it would be an honor for us for him to launch the book, and he gracefully agreed. Nawaz sir, mera question aapse hai ki jaise is book pe movie banegi to aapne bola ki kitna lega hoga, to Hollywood mein se koi nahi, ye inke upar depend karta hai, mujhse nahi bhaenge ye kirdar ya nahi. So I want to tell you the characters are very, very complex. Jab aap book padhenge, you know, you will realize the complexity of the character. And only a versatile actor like sir can carry that off, because you need to be very versatile. It's a very complex role. See, easy role to koi bhi actor kar sakta hai, you know, but it's a complexity that someone needs to act out, and I think sir has done all kinds of roles, like we all have witnessed his films. Sir, aapse jana chahiye Bollywood mein se kaun se actress rahe jise aap chahenge ki is movie aapke sath kaam kare, agar is bhi aap mere se wo sawal karein jo producer se kiye jaate hain. मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं नहीं रहूँगा इस फिल्म का प्रोड्यूसर, बट क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जब होगा तब वो उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, जैसे नीता ने भी बताया, अदिति भी जिक्र कर रही हैं इसके इस के जो कैरेक्टर, जिस तरीके से जो नॉवल है, जिस तरीके से शुरू होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड है, वो डिपेंड करता है जो इसको अडॉप्ट करेगा, जिस तरीके से उसमें मटेरियल बहुत है, अब फिल्म मेकर क्या होते हैं उसमें से फिर अपने अपने तरीके से, जिस तरीके जिस जोन की उनको
जिस तरह की उनको फिल्म बनानी है तो वो मटेरियल उसमें से लेते हैं, कभी कभी ऐसा तो एज इट इज़ भी करते हैं उसको, जैसे चैप्टर्स होते हैं चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री एज इट इज़। जैसे आपने अगर ब्लैक फ्राइडे देखी हो तो ब्लैक फ्राइडे में चैप्टर्स हैं। अभी जैसे हमने एक बुक की थी, बुक के ऊपर की थी वो सेक्रेट गेम जो किया हमने, उसमें से बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐड भी किया, कुछ ऐड कुछ कैरेक्टर्स नहीं थे कुछ ऐड किए, कुछ इम्प्रोवाइज किया कुछ कर, तो बहुत सारा मटेरियल, इतनी बड़ी बुक है सेक्रेट गेम की, तो उसमें से हमें क्या लेना है क्या नहीं या एज इट इज़ करना है, तो वो डिपेंड करता है जब आप करने पे आते हैं। जैसा कि नीता ने कहा कि आप बहुत ही वर्सेटाइल है और इस इंडस्ट्री से नहीं है, इसी तरीके से कंगना भी इस इंडस्ट्री से नहीं, और इन मुद्दों को उठाकर वो काफ़ी चीज़ खुलकर बोलती हैं कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन जो स्टार्स के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत मौका मिलता है और जो न्यू कमर्स आते हैं इस इंडस्ट्री से नहीं है उन्हें मौका नहीं मिलता है। इस बात से आप कितना और कभी आपने ऐसा महसूस किया फील्ड में कभी काम कर, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने महसूस किया यहाँ पे? देखिए, एक इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आज नहीं तो कल वो दिख ही जाता है, सबको दिख जाता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कल को अगर कोई चलता सड़क पे बोलने लगा मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मुझे काम नहीं मिला, ऐसा नहीं होता, काम ज़रूर मिलता, देर सवेर ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपके अंदर वर्थ है तो कोई रोक नहीं सकता। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वेब सीरीज़ हो रहा है, ये हो रही हैं, फिल्में हो रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, यूट्यूब पर आप अपनी परफॉर्मेंस डाल देते हैं, अगर उसमें से कोई क्लिक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बुलाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें नहीं लिया जा रहा है, ये तो सिर्फ स्टार के बेटे ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उसके अलावा बहुत सारे जो बहुत सारे एक्टर की लौट आई है, बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वर्थ है, उनके पास टैलेंट है, इसलिए तो कर रहे हैं, और जिसके पास नहीं है तो नहीं है। अब वो भी बोले कि मुझे नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, जब जब आपके अंदर अगर होगा तो मिलेगा, ज़रूर मिलता है। मुद्दे हमेशा वही होते हैं जो एक डेवलपमेंट होता है, एक प्रोग्रेस होती है अपने, हम हर आदमी चाहता है कि हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो और एक माहौल अच्छा रहे, क्योंकि हम अगर देश को स्ट्रॉन्ग बनाना है वो सब साथ में मिलकर ही बना सकते हैं, है ना, तो हर आदमी सपना देखता है और कर रहे हैं सब लोग और सब मिल के काम कर रहे हैं, और मैं यही चाहता हूँ, हर आदमी यही चाहता है, मैं क्या, हर आदमी चाहता है कि हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो, ग्रेट हो, और उसी के लिए सरकार चुनी जाती है। ये जो लोकसभा चुनाव है इसी से हमारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा, आपको कैसा चाहिए और आपकी क्या उम्मीदें हैं मैडम? इतने पॉलिटिक्स के आप सवाल कर रहे हैं, मेरी तरफ से जो भी हो अच्छे तरीके से लेके चले। Can we just end it, please? Let's restrict to books. Thank you. Thank you so much. Thank you.